हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल होप यू डूइंग गुड गाइस। सो आज का वीडियो मीशो कुर्ता सेट हॉल होने वाला है और आज मैं आपको पार्टी वेयर कुर्ता सेट दिखाऊंगी। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैजुअल कॉटन का कुर्ता सेट दिखाया था, इस बारी मैं थोड़ा पार्टी वेयर दिखाऊंगी। लाइक कॉटन मटेरियल में आपको पार्टी वेयर कुर्ता सेट मिल जाएगी, बट अगर आप चाहो तो उसे थोड़ा सा ट्राउज़र डाल के, सिंपल जीन्स डाल के आप कैजुअल में भी वेयर कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो भी हील्स या ज्वेलरीज मैंने पहने हैं सबका डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगा, कोड सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो वहां पे अच्छे से चेक कीजिए अगर आपको सारे डिटेल्स जाननी है तो। और वीडियो पसंद आती है गाइज, आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है, अच्छी लग रही है, तो मेक श्योर करना सब्सक्राइब चैनल को जरूर से करना, सपोर्ट करना, लाइक कर देना वीडियो पसंद आए तो। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट कुर्ता मैंने ये ब्लैक कलर का थ्री पीस सेट पिक करा है, कुर्ता प्लाजो और ये दुपट्टा। सो दुपट्टे की लेंथ आप देख सकते हो, बहुत अच्छी लेंथ वाली है, एशियन ब्रांड से है। तो मीशो में एशियन मिलती है, मिंत्रा पे भी मिलती है, तो ये ब्रांडेड कुर्ती है, तो इसका जो मटेरियल वगैरह होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो इस पर मैंने लार्ज साइज़ लिया है, आप जो पहनते हो आप वही साइज़ लो, लाइक स्मॉल पहनते हो तो स्मॉल पर ही जाना। मैं मीडियम पहनती हूँ बट मैंने लार्ज लिया है किसी रीज़न से। सो मैंड्रिन कॉलर के, सॉरी वी नेक वाले, लाइक कट शेप वाले नेकलाइन के साथ आपको थ्री क्वार्टर स्लीव्स मिल रही है, स्ट्रेट कुर्ता है। एंड अगर आप देखोगे नीचे को तो यहाँ पे जरी का वर्क करा हुआ है, ये छोटी छोटी सी जो बूटियाँ दिख रही हैं ये जरी का वर्क करा हुआ है, कॉटन का मटेरियल है कुर्ता दुपट्टा और प्लाजो का। सो बेस्ट पार्ट मुझे लगती है इशिन के कुर्ते सेट में कि ये बिल्कुल सांगरिया का प्लाजो जो होता है ना, वैसा प्लाजो आपको मिलता है। और यहाँ पे फॉइल प्रिंट्स आपको मिलेगी नीचे को, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और नीचे प्लाजो में भी गोटा पट्टी के साथ आपको फॉइल प्रिंट्स मिल रही है, सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है ना। आप घेर देख सकते हो, लाइक इतनी ज़्यादा घेर है कि लगेगा कि आपने स्कर्ट पहना हुआ है। सो अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो तो आपके लिए परफेक्ट पीस है, हाईली रिकमेंड करूँगी। दुपट्टे का जो मटेरियल है वो भी बहुत सॉफ्ट है, चार टैसल लगे हुए हैं चारों कोने पर, एंड ऐसे ब्रॉड फॉइल प्रिंट का बॉर्डर है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, वैसे भी ब्लैक कलर बहुत खिलकर भी आता है, बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है, एंड ये ब्यूटीफुल सेट ऑलरेडी है। पीछे पूरी प्लेन है बैक कुर्ते पे। सो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर से बताना, मैं तो उसे हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर आप कैजुअल में भी वेयर करना चाहते हो तो बस एक ब्लैक ट्राउज़र या जीन्स डालोगे ना, तो ये कुर्ता मतलब कैजुअल में भी वेयर कर सकते हो, और पार्टी तो पार्टी वेयर आपको लाइक दिख रही है। एंड साइड पे गाइज ये दो डोरी मिल रही है प्लाजो पे, जो एक्चुअल में बहुत ब्यूटीफुल है, और ऐसे शिन के मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हैं, मैं रफ यूज़ कर रही हूँ एंड क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। नेक्स्ट कुर्ता सेट ये मैंने स्ट्रेट कुर्ता के साथ ट्राउज़र प्लस दुपट्टा थ्री पीस सेट पिक करा है, कलर बहुत ब्यूटीफुल है गाइज, लाइक लाइट पर्पल, सॉरी अनियन कलर है, ये बहुत ब्यूटीफुल कलर है। प्राइस भी इसका बहुत अच्छा, बहुत हाई हाई प्राइस नहीं है क्वालिटी के हिसाब से, लाइक 1300 में ये कुर्ता सेट मिली है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। साइज़ मेरा इस पर लार्ज है, मीडियम पहनते हो तो मीडियम पे ही जाओ, मैं एक साइज़ अप लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा लूज़ पहनना पसंद है। सो राउंड नेक के साथ आ रही है, एंड क्योंकि बहुत लाइट कलर लग रहा है इसलिए मैंने इस पर एक स्टेटमेंट ईयरिंग्स डाले हैं, और ये ईयरिंग्स मेरी फेवरेट है। थ्रेडवर्क मिल रहा है नेकलाइन पे, पूरी पर्पल एंड वाइट कलर की ब्यूटीफुली वर्क करा हुआ है पूरे नेकलाइन पे। एंड नीचे को अगर आप देखोगे तो प्लेन कुर्ता है, प्लेन ट्राउज़र है, ट्राउज़र की फिटिंग बहुत अच्छी है, कुर्ते की फिटिंग बहुत अच्छी है, एंड यहाँ पे इनर मिल रहा है, लाइक इनर लाइनिंग के साथ, तो सी थ्रू का टेंशन नहीं है, फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। दुपट्टे की जो प्रिंट बनी हुई है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी वाली बनी है, साइड में आपको वही सेम कपड़े की पाइपिंग भी मिल रही है। हाँ, दुपट्टे की लंबाई काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप चौड़ाई देखोगे तो कम है, बट इतना कम नहीं कि लाइक आप मैनेज नहीं कर सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सो ये कलर है ना, ये खिलकर भी बहुत आ रहा है, तो ये इंडियन स्किन टोन पे ये कलर बहुत अच्छी लगने वाली है। कैसी लगी आप कमेंट में बताएं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, वर्क बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, और फिटिंग वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट कुर्ता सेट मैंने ये ब्लू कलर का कुर्ता पिक करा है। सो शिन पे आपको मोस्टली गाइस ऐसे ही प्लाजो काइंड ऑफ स्कर्ट टाइप देखने को मिलता है। सो इसका भी प्राइस अप्रॉक्स 1200-1100 रुपीज़ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, स्क्रीनशॉट भी साथ ही साथ लगा रही हूँ। सो यहाँ पे बेस्ट चीज़ है कि नेकलाइन पे आपको
फॉइल प्रिंट का वर्क मिल रहा है एंड थोड़ी बहुत थ्रेड का भी वर्क मिल रहा है। पूरी कुर्ती पे अगर आप देखोगे तो फॉइल प्रिंट्स बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के। सो जो नेकलाइन है इसकी ना, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। ब्लू में आपको ऑरेंज कलर का थ्रेड वर्क मिल रहा है। देन अगर आप ध्यान से देखोगे प्रिंट्स पे तो ऑरेंज ब्लैक वाइट कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो एक्चुअल में ब्यूटीफुल लग रहा है। बट हाँ, फॉइल प्रिंट है तो बहुत ही हल्के हाथों से आपको धोना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि फॉइल प्रिंट्स आप मशीन वॉश नहीं कर सकते। अगर मशीन वॉश नहीं करोगे, हैंड वॉश करोगे तो बहुत लंबी टिकती है। नीचे को भी सेम आपको ऑरेंज एंड ब्लू में प्रिंट्स मिल रही है। साइड में आपको अगेन डोरी मिल रही है, तो इशिन के प्लाजो में आप अक्सर देखोगे ना इस तरीके की जो डोरी लटकती है ना साइड में, लटकन बहुत अच्छी लगती है। ब्रॉड बॉर्डर के साथ आपको प्लाजो मिल रहा है एंड घेर ऑब्वियसली स्कर्ट की तरह है, लाइक जो दो प्लाजो की होती है वो उनकी सिंगल प्लाजो में रहती है। फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी है, लार्ज मेरा इस पर भी साइज है। कलर बहुत ही ब्यूटीफुल है। पार्टी के लिए अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो तो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही ज़्यादा पार्टी वेयर, लाइक पार्टी वेयर काइंड ऑफ देखने वाला कुर्ता सेट है, तो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। नेक्स्ट कुर्ता सेट मैंने ये रेड कलर का कुर्ता विथ प्लाजो पिक करा है। सो मोस्टली गाइज आज के हॉल में आपको इसी तरीके के प्लाजोस मिलेंगे, क्योंकि मैंने स्पेशली एशियन ब्रांड का हॉल बनाया है, क्योंकि मीशो में एशियन ब्रांड मिलती है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सो इस पे मेरा साइज़ मीडियम है एंड आप देख सकते हो मीडियम की फिटिंग ऐसी होती है। सो मेरा लूज़ थोड़ा सा मैं लूज़ लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी सिस्टर को रखना होता है या फिर किसी को रखना होता है तो वो ईजिली रख लेते हैं। सो इसकी जो प्लाजो है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, कलर बहुत ब्यूटीफुल। अगर आप न्यूली मैरिड हो या आपकी शादी होने वाली है तो ये कुर्ता सेट आप पे बहुत अच्छी लगने वाली है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई और इस पे मैंने रेड सिंपल एक रेड इयररिंग्स डाले हैं, जहाँ आपको नेकलाइन पे पूरा जरी का वर्क मिल रहा है, स्लीव्स पे मिल रही है। सो नेकलाइन जो इसकी है ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एक्चुअल में ये बहुत प्यारी लग रही है। एंड बेस्ट पार्ट है कि आपको लाइक बंधनी का वर्क भी मिल रहा है, जो कपड़े में ही, ऊपर से कोई प्रिंट्स नहीं है। तो इस कुर्ती सेट का एक बेस्ट पार्ट है कि कोई भी प्रिंट्स नहीं है, ना फॉइल प्रिंट्स है कुछ है, तो निकलने का कोई भी टेंशन नहीं है, लाइक धो पहनो वाला है। तो अगर आप ऐसा फॉइल प्रिंट्स आपको पसंद नहीं है तो आप इस पे जा सकते हो। कॉटन मटेरियल है कुर्ता और प्लाजो का बेस्ट पार्ट है, एंड इससे पहले जो ब्लू वाला था उसका भी कॉटन मटेरियल है, सॉरी मैं उस पर बताना भूल गई। फ्लेयर इतनी अच्छी है, साइज़ मीडियम, बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। इस पे जो साइड पे डोरी बनी हुई है वो बहुत छोटी सी है, इस पे बड़ी वाली नहीं है। सो सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर पसंद आती है कुर्ता सेट तो कमेंट में ज़रूर से बताएं। इसके साइड पे आप देखोगे तो छोटी सी गोटापट्टी की डिटेल्स भी दी हुई है। और मैं सजेस्ट करूँगी गाइज कि जो साइज़ आप लेते हो ना एशियन पे वही साइज़ बाई करो। लाइक आप देख सकते हो कि मीडियम मेरी जो साइज़ है ये फिटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है, एंड अगर शादी होने वाली है आपकी तो ये कुर्ता सेट तो मस्ट बाई है। नेक्स्ट एंड लास्ट कुर्ता सेट मैंने ये फ्रॉक में पिक करा है, जिनको फ्रॉक चाहिए उनके लिए भी ऑप्शन है। सो येलो मरून कलर का ये कुर्ता सेट है। नेकलाइन इसकी बहुत ब्यूटीफुल है, लेस बनी हुई है, एंड अगर आप नीचे को देखोगे तो दोनों तरफ लाइक साइड पे इस तरफ लेफ्ट एंड राइट पे ये लेस लगी हुई है। एंड क्योंकि ये प्रिंटेड है तो बहुत अच्छे से नज़र नहीं आ रही, जो प्रिंट लाइक साइड में वही लेसेस पे लगी हुई है। नीचे को भी गोटापट्टी की डिटेल्स के साथ आपको बॉर्डर मिल रहा है। फ्लेयर इतनी है, एलाइन कुर्ता काइंड ऑफ है, पूरी अनारकली नहीं है। एंड बेस्ट पार्ट है कि इसकी जो प्लाजो है उसकी फ्लेयर बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे गोटापट्टी डिटेल्स के साथ आपको ये कपड़े का जो ऊपर वर्क है वही प्रिंट्स बनी हुई है। कॉटन मटेरियल है दोनों का, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड ये 1000 रुपीज़ के गाइज, लाइक बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। और अगर आप इस पर एक मरून दुपट्टा डालोगे ना और पार्टी वेयर एक्सेसरीज तो बहुत प्यारा लगेगा। बैक में भी आपको इस तरीके से वर्क मिल रहा है, स्लीव्स पे भी मिल रही है कुछ गोटा पट्टी के डिटेल्स, एंड आप देख सकते हो लाइक ए लाइन कुर्ता के साथ इतनी जो फ्लेयर आती है ना, ये एक्चुअल में इसकी फिटिंग बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो अगर मैं इस पे मीडियम मंगाती तो इसकी फिटिंग ज़्यादा अच्छी लगती, लार्ज है तो थोड़ी लूज हो रही है। एक चीज़ मुझे इस कुर्ती सेट की पसंद नहीं आई, वो है जो इसका प्रिंट है ना वो बहुत ही गंदा स्मेल कर रहा था। सो धूप पे रखोगे तो मैनेज हो सकता है, लेकिन कुर्ती सेट बहुत प्यारी है। सो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताएं। पसंद आई गाइस तो प्लीज़ मेक श्योर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइज़।